आज हम कक्षा नवमी में छात्रों ये जीवों में विविधता वाला जो पाठ है अध्याय सात उसका भाग दो पढ़ेंगे। अभी तक आपने भाग एक देखा था कि किस प्रकार जीवों की विविधता का वर्गीकरण किया गया, उसका आधार क्या था। आज हम पढ़ेंगे जीवों में विविधता, तो आज हम पढ़ेंगे प्लांटी जगत। प्लांटी जगत आपने अभी तक दो जगत, तीन जगत के बारे में पढ़ लिया था, मोनोरो जगत, प्रोटिस्टा जगत और एक था फंजाई जगत, और आज हम पढ़ रहे हैं चौथा नंबर का जो था प्लांटी जगत। प्लांटी मतलब इसको हम बोल सकते हैं पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, ये पादप जगत है। तो जो पादप जगत है, पौधे हैं, ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं और ये बहुकोशिकीय हैं। और यूकैरियोटिक मतलब इनके सभी कोशिकांग अच्छी तरह से क्या है, यूकैरियोटिक का अर्थ होता है कोशिकांग अच्छी तरह से विकसित हैं और इनमें कोशिका के चारों ओर एक अच्छी वेल डेवलप्ड कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस प्रकार बहुत अच्छे से हैं। अच्छा, ये स्वयं पोषी होते हैं, स्वपोषी का मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें वो क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, हरित लवक का उपयोग करते हैं। तो पहले हम एक देखते हैं कि जो प्लांटी है, जो पादप जगत है, इसको किस प्रकार पांच भागों में बार बार डिवाइड किया गया है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले पादप को हमने दो भागों में बांटा कि पादप शरीर बिना विभेजन के, मतलब पूरा शरीर एक गुच्छे जैसा पाया जाता है, उसमें ऐसा नहीं रहता कि ये तना है, ये पत्ती है, ये जड़ है, तो उसको हम बोलेंगे थैलोफाइटा। क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। उसके बाद कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें डिवाइड होता है कि ये जड़ है, तना है, पत्ती है, तो ये विभेदित मतलब पूरा पाया जाता है। तो अब इसमें भी हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक में संवहनी ऊतक रहता है और एक में संवहनी ऊतक नहीं रहता, जिसमें नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और जिसमें संवहनी ऊतक पूरा वास्कुलर सिस्टम रहता है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं टेरिडोफाइटा, जिसमें बीज नहीं पाए जाते, टेरिडोफाइटा, और जिसमें बीज पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं फेनेरोगैम। तो इस टेरिडोफाइटा को हम, क्योंकि इसमें बीज नहीं रहते हैं, इनको हम क्रिप्टोगैम भी कह सकते हैं। अब जो बीज उत्पन्न करते हैं, अब उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, आप देख रहे हो ना, इस प्रकार दो भागों में, एक में बीज खुले हुए रहते हैं, इसको हम नग्न बीजी बोलते हैं, इसको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, और जिसमें बीज फल के अंदर होते हैं वो है एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म में भी बीज फल के अंदर होते हैं, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक है एक बीज पत्री और एक है दो बीज पत्री। बीज पत्र क्या होता है, आपने देखा है कि बीज के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, जैसे आपने हरा मटर देखा है उसके बीज के दो, तो वो द्विबीजपत्री। आप गेहूं देखेंगे, गेहूं या चावल, उसमें बीज के बराबर दो भाग नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक बीज पत्री। तो अब हम इसके अनुसार अध्ययन करेंगे, पहले हम अध्ययन करेंगे थैलोफाइटा का, जिसका शरीर विभेदित नहीं होता, मतलब शरीर एक कहना चाहिए गुच्छे जैसा रहता है, उसमें अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इस प्रकार नहीं कह सकते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स, ये बहुत सारे ऐसे जुड़ जाते हैं, तो शारीरिक रचना में विभेदीकरण नहीं होता है, और अधिकतर ये पौधे जल में पाए जाते हैं और इन्हें हम शैवाल भी कहते हैं, एल्गी या शैवाल कहते हैं। इसका एक उदाहरण आप देखिए, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये एक कोशिका दूसरे गुच्छे जैसे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया थैलोफाइटा, जिनमें शरीर में विभेदीकरण नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे जिनमें विभेदीकरण होता है, जड़ तना पत्ती, तो
तो उनको हम दो भागों में हमने बांटा है, एक है ब्रायोफाइटा और दूसरा हो रहता है जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, तो ब्रायोफाइटा इसका जो दूसरा भाग है जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। तो इनमें देखिए आप कुछ ऐसा जड़ तना पत्तियां जब देखते हैं, और फ्यूनेरिया और ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो इनमें फ्यूनेरिया ये देखेंगे आप, ये फ्यूनेरिया, इसमें से पत्ती कभी कभी ऐसा जड़ टाइप की हल्की सी, ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि ये सब किस में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। फिर है जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, तो उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, टेरिडोफाइटा, और एक होता है जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। तो ये टेरिडोफाइटा है, इसमें बीज रहित होते हैं, मतलब बीज नहीं पाए जाते हैं, बिना बीज के होते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार है जिसमें बीज पाए जाते हैं, तो ये फर्न और ये मार्सेलिया। बहुत सरल है ये, सिर्फ आपको याद रखना है वो सारणी जिसमें कि आप इनके नाम याद कर सको, ये बीज रहित होते हैं। अब हम दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बीज पाए जाते हैं। तो ये जो बीज हैं, तो अब ये भी दो प्रकार का होगा, जो फेनोरोग्राम है, पहले था टेरिडोफाइटा, दूसरा है फेनोरोग्राम। ये बीज हैं, और इसके जो बीज होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, वो पूर्ण विकसित होते हैं, और शरीर भी जड़ तना और पत्तियों में विभाजित होता है। तो ये फेनोरोगैम को हम दो भाग में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इसका मतलब है इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो बीज खुले रहते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में बीज ढके हुए रहते हैं। यही अंतर है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के आप उदाहरण देख सकते हो, ये पाइनस एक है वृक्ष, ये और एक वृक्ष है साइकस, से कहीं कहीं आपको आसपास दिखाई भी देता है इस प्रकार। तो जिम्नोस्पर्म्स में बीज खुले हुए रहते हैं, और ये काष्ठीय होते हैं इस प्रकार आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका और भी विशेषता है कि ये काष्ठीय पौधे होते हैं, मतलब अच्छे लंबे होते हैं। और ये सदाबहार, बहुत दिनों तक इस प्रकार रहते हैं। और ये इसमें जो बीज होते हैं वो बिना ढके, बीज खुले रहते हैं, मतलब ढके नहीं रहते हैं। ये था जिम्नोस्पर्म्स। अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें क्या होता है कि बीज ढके हुए होते हैं, और इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और दूसरा है द्वि बीज पत्री। बीज ढके हुए रहते हैं, पत्री। तो ये देखिए एक बीज पत्री, इसके उदाहरण हम ले सकते हैं गेहूं, चावल। बीज समझ गए ना, जो आप खाते हो वो बीज ही हैं। और मक्का भी ले सकते हो आप, मक्का भी एक बीज पत्री है, बहुत सारे हैं, केला है। और द्विबीज पत्री में आप ले सकते हो चना, मूंगफली, जो दो बराबर बीज हैं,
सोयाबीन, नहीं सोयाबीन, राजमा, बहुत सारे ऐसे हैं जो द्विबीजपत्री हैं। तो इस प्रकार हमने आज प्लांटी और पादप जगत के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो इस पाठ में यही मुख्य प्रश्न आते हैं कि टेरिडोफाइटा और फेनेरोगैम्स में क्या अंतर है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है। टेरिडोफाइटा और एक प्रश्न ये भी आ सकता है, धन्यवाद बच्चों।